लॉगिन कर रहे हैं तो वहां पे पासवर्ड वो भूल चुके हैं और पासवर्ड चेंज कर रहे हैं, तो उनका बता रहा है कि भैया आपका आधार कार्ड में जो डिटेल है वो मैच नहीं कर रहा है पीएफ खाते से, और जो पासवर्ड हमने नया क्रिएट किया है, देखिए इनका जो बर्थ डेट है वो 1998 है, और यहाँ पे आपका जो डिटेल है वो आपके आधार कार्ड के हिसाब से कर देना है। यदि आप या फिर आपके घर में कोई भी सदस्य किसी ऐसे कंपनी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में काम किए हुए हैं जहां पे उनका पीएफ कटा हुआ है और उनके पास यूएन अकाउंट नंबर भी है, लेकिन वो अपने मेहनत की कमाई को निकाल नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हैं यूएन पोर्टल पे, और लॉगिन कर रहे हैं तो वहां पे पासवर्ड वो भूल चुके हैं और पासवर्ड चेंज कर रहे हैं, तो उनका बता रहा है कि भैया आपका आधार कार्ड में जो डिटेल है वो मैच नहीं कर रहा है पीएफ खाते से। तो किस तरीके से आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं हमने पिछले वीडियो में देखा था, बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस आ चुका है फ्रेंड्स, किस ट्रिक को यूज करके आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। आज के इस नए वीडियो में हम उसके बाद का प्रोसेस देखने वाले हैं, लॉगिन करने वाले हैं उस नए पासवर्ड को बनाने के बाद क्या कुछ चेंज देखने को मिल रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई सा भी ब्राउजर हम ओपन कर लेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे UAN, यही आपको टाइप करना है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑफिशियल जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पे हमें चले जाना है। अब ये यूएन पोर्टल आ चुका है, यहाँ पे हम यूएन नंबर एंटर करेंगे और जो पासवर्ड हमने नया क्रिएट किया है उनका डिटेल मिसमैच होते हुए भी वो नया पासवर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे और कैप्चा एंटर करेंगे, उसके बाद से साइन इन कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरा डिटेल एंटर कर दिया है, उसके बाद से साइन इन करेंगे, तो इसमें क्या कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी फिलहाल में लॉगिन सेकेंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन देखने को मिल रहा है, इनके केस में तो इनका डेट ऑफ बर्थ गलत था फिर भी ऐसा देखने को मिल रहा है, तो चलिए हम यहाँ पे इनसे ओटीपी ले लेते हैं और इनका ओटीपी यहाँ पे एंटर करते हैं, उसके बाद से ये कैप्चा एंटर करना है और सबमिट कर देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरा डिटेल एंटर कर लिया है, ये ओटीपी 5 मिनट के अंदर आपको यहाँ पे एंटर करना होता है, देखिए 5 मिनट लिखा है। अब उसके बाद से हम सबमिट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट लुक यहाँ पे कुछ ईपीएफओ के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है या फिर नहीं दिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन तो हमें नहीं मिला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट नॉर्मल लॉगिन ही हुआ है। अब हालांकि यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखा दूं कि इनका बर्थ डेट, देखिए बर्थ डेट जो लिखा है ना, ये मंथ तो मैं छुपा दूंगा लेकिन यहाँ पे ईयर में आपको दिखाऊंगा प्रूफ के लिए, 1996 है इनके पीएफ खाते में। अब इनका मैं आधार कार्ड दिखाने वाला हूँ, हालांकि लास्ट वीडियो में भी मैंने दिखाया था, अगर वो वीडियो आपने देखा था तो देखिए फ्रेंड्स, इनका जो आधार कार्ड है वो मैं इधर ओपन करके दिखा रहा हूँ, इसमें काफी कुछ आपको हिडन मिलेगा पहले से ही, तो इसके अलावा कोई हिडन नहीं करूंगा। देखिए इनका जो बर्थ डेट है वो 1998 है इनके आधार कार्ड में, और इनका जो नाम है वो तो सही था, कोई दिक्कत नहीं आ रहा था, हालांकि देख सकते हैं 9726 है। तो अब पीएफ के पोर्टल पे देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या 9736 है या नहीं है, हालांकि बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे प्रोफाइल का मोर इन्फॉर्मेशन करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए 9726 भी देखने को मिल गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हैं कि इनका जो भी यूएन नंबर है वो भी इनके लास्ट के कुछ डिजिट आप देख सकते हैं। अब इनके केस में इनका पासवर्ड हमने लास्ट वीडियो में चेंज किया था, जो कि इनका पहले एरर देखने को मिल रहा था कि डिटेल मिसमैच है, और बाद में जब हमने इस डिटेल को निकाला था ऑनलाइन और उसके बाद से इनका पासवर्ड चेंज किया तो हो गया था, उसके बाद से यहाँ पे हमारा लॉगिन भी हो गया है। हमें कुछ आशंका था कि यहाँ पे ईपीएफओ के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, लेकिन इंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं देखने को मिला है, डायरेक्ट नॉर्मल लॉगिन ही हुआ है। अब देखिए आपको करना क्या है, अगर आपने अपना पासवर्ड चेंज कर लिया है सफलतापूर्वक और अब आप लॉगिन हो चुके हो, तो इसके बाद से आपको मैनेज वाले ऑप्शन में जाना है और ज्वाइंट डिक्लेरेशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपका जो डिटेल है वो आपके आधार कार्ड के हिसाब से कर देना है। कैसे करना है, यहाँ पे देखिए आपका जो कंपनी है, एक से ज्यादा कंपनी में काम किया था वो देखने को मिल जाएगा, अभी फिलहाल में इन्होंने एक ही कंपनी में काम किया है, गेट डिटेल करेंगे तो यहाँ पे नॉर्मली जो आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एरर आ गया, देखिए सर्विस इज करेंटली अनेबल, देखिए कभी कभी एरर में से चलता रहता है, ये नई बात नहीं है, तो बहुत ही पुरानी हो चुकी है, तो अभी मैं होम पेज पे जाके दोबारा से करके दिखा देता हूँ। हालांकि अगर आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का कंप्लीट प्रोसेस चाहिए,
तो इस पे हमने डिटेल वीडियो बना रखा है कि डॉक्यूमेंट आपके क्या क्या लगेंगे, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। देखिए साथ ही साथ मैं ओपन कर लेता हूँ, इस बार ओपन होता है कि नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ओपन हो चुका है। अभी इनके केस में अगर हम बात करें तो डेट ऑफ बर्थ गलत है तो यहाँ पे अपडेट पर्सनल डिटेल में जाएंगे ये, और यहाँ से इनका ये जो डेट ऑफ बर्थ वाला ऑप्शन है ना, इसके ठीक सामने यहाँ पे पेंसिल का आइकन है, यहाँ सेलेक्ट करेंगे, जो इनका सही डेट ऑफ बर्थ है वो इधर एंटर करेंगे और कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, सबमिट कर देंगे। उसके बाद से इनके कंपनी के द्वारा अप्रूव्ड किया जाएगा। जैसे ही कंपनी अप्रूव्ड करती है उसके बाद से आपके पीएफ ऑफिस पर रिक्वेस्ट चली जाएगी, और पीएफ ऑफिस के अप्रूव्ड करते ही आपका डिटेल ठीक भी हो जाएगा। तो ये सारा काम आपको कर लेना है। और हालांकि जो डेट ऑफ बर्थ चेंज करने में या फिर नेम चेंज करने में जो भी आपकी गलती है, इन सभी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए कि बिल्कुल एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, माइनर करेक्शन क्या होता है, मेजर करेक्शन क्या होता है, क्या कितने डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे, तो इसके लिए हमने अलग से डिटेल वीडियो बनाया हुआ ही है, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि इस वीडियो के नीचे भी कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दें, फिर भी आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और यदि आपका भी डिटेल मिसमैच है और अभी तक आप पासवर्ड नहीं बना पाए हो ना, तो बिल्कुल फटाफट वो वाली वीडियो चेकआउट कर लो जो कि इससे पहले हमने बनाया था, और उसमें पूरे कंप्लीट प्रोसेस के साथ कुछ नए ट्रिक भी बताए थे जिसको यूज करते हुए आप अपना नया पासवर्ड 101% बना सकते हैं, पूरे लाइव प्रूफ के साथ दिखाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा, वहां से भी आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।